So this looks very interesting and very different as well. देखते हैं 19 नवंबर को जब ये फिल्म रिलीज होती है. कराची में शूट हुई है फिल्म ज्यादातर? जी हाँ सर, कराची में, थोड़ी सी कुछ बलूचिस्तान में. ओके, आप दोनों की दोस्ती पुरानी है या इस सेट पे, यानी इस फिल्म की वजह से? इस फिल्म ने भी कुछ साथ दे दिया, खेल खेल में दोस्ती जरा ज्यादा. हम लोग एक दूसरे को 5-6 साल से जानते हैं. हमने 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था और उसके बाद से हम लोग कोशिश करते रहे कि हम दोनों साथ काम करें दोबारा, बट कभी ये नहीं कन्विंस हुई, कभी मैं कन्विंस नहीं हुआ, तो ये फाइनली हमें किसने आप दोनों को कन्विंस कर लिया? नबील कुरैशी. आप इधर ईमानदारी बताएं, सेट पे ज्यादा लेट कौन आता था? लेट ये आती थी. हाँ, इसका मुझे यकीन था इस बात का. ऐसा कभी नहीं हुआ. कभी कभी मैं भी लेट हुआ था जबकि इनका घर करीब होता था. सौ शूट हुई थी तो 1-1.5 मरतबा बिलाल में भी लेट हुए थे, ऐसी बात नहीं, बाकी 99 मरतबा. तो ऐसा क्यों है सजल, मतलब क्या? बिलाल यार ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है. मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं. तो आप लड़ाते ज्यादा कभी कभी कभी. अच्छा वैसे बात, नबील कुरैशी के सेट पे कोई लेट आ नहीं सकता, वरना नबील ऐसा क्या करते हैं लेट आने? नहीं 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 नहीं, ग्राउंड के 5-6 चक्कर लगवाते हैं, उठक बैठक करवाते हैं. नहीं ऐसा आप फिल्म में हो नहीं सकते, फिर यू नीड टू बी ऑन टाइम. वो कुछ करेंगे नहीं, बिल्कुल इतना टेका है, मतलब सर बिल्कुल है, सेट पे भी है ना. नहीं नहीं, वो यहाँ पर बिल्कुल है और वो कुछ करेंगे नहीं, मगर वो बस वाइब ऐसी दे देंगे कि आप पूरा दिन बोलोगे कि यार मैं, मुझे टाइम पे आ जाना चाहिए. हां यार ऐसी वाइब से फायदा, वो आपको हिंट देते हैं कि आप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा. बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है. अच्छा ओके, अभी अभी मूवीज वगैरह दोबारा आ रही है, तो वैसे आपका टू स्टार्ट विद यू एंड देन आप बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है कि हमें अपनी मूवीज को इंडिया लेके जाना चाहिए या इंडिया की मूवीज पाकिस्तान आनी चाहिए, या आपके ख्याल में फिलहाल जो माहौल है उसमें it is not a very good idea. Sajan, I don't think ye matter bhi karta hai ki India leke jani chahiye ya wahan se aani chahiye. I think we should just focus on our industry. There has been a history na, zahir hai ki jab hamari aayi aur movies wahan pe. Again I still feel ki hame sirf abhi abhi apne hi cinema pe फोकस करना चाहिए और अपने काम अपनी ही जगह पर फोकस करके इसी इंडस्ट्री को, इसी सिनेमा को और टीवी को बेहतर बनाना चाहिए बाय वर्किंग हियर. आपका बिलाल क्या ख्याल है कि अभी वो हालात हैं कि जब हमारे अदाकारों को जिस नमाजी में गए हैं जाना चाहिए इंडिया, या दिस मे नॉट बी एन आइडियल टाइम टू? आई थिंक ये हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल कॉल होती है कि वो जाना चाहे नहीं जाना चाहे, बट मुझे यू वुड गेट अ चांस और अपॉर्चुनिटी और इफ यू आर आस्क्ड टू डू द सेम, व्हाट वुड बी योर कॉल? मैं इस तरह लेबल नहीं करता हूं कि इंडिया और एनी अदर कंट्री. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आर्ट हैज नो बाउंड्रीज. तो और मैं एक्टर हूं और मेरा यही काम है, सो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी और कैरेक्टर और चीजें मैटर करती हैं बनिस्बत के मैं इधर नहीं काम कर सकता उधर नहीं काम. सो आप इस तरह डिफरेंशिएट नहीं करते इस तरह कि यहां है या यहां है? ओके. और सजन हर कोई आपकी, मतलब जाहिर है माशाल्लाह आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके वाले से भी लोग बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए दुआ करते हैं सारा कुछ. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बड़ी तब्दीली जो शादी के बाद आपने जिंदगी में महसूस की वो क्या है, मतलब आपके काम को लेके या इस तरह लेके? काम को लेके तो कुछ ओके या पर्सनल लाइफ में तब्दीलियां तो खैर बहुत आती हैं. आपको जरा होश ठिकाने लग जाते हैं. सबसे बड़ी तब्दीली तो हाँ अकल ठिकाने. अच्छा वो तो सबको ही आ जाता है. ओके बट नहीं मैं बताऊँ, ये शुरू के 3-4 साल मुश्किल होते हैं, फिर हालात चेंज नहीं होते लेकिन बंदे को आदत हो जाती है, तो फिर आपको लगता है नहीं 3-4 साल आप ज्यादा कह रहे हैं, एक तक ही रहें तो बेहतर है, 1-1.5 तक. हाँ बट ठीक है. तो ये वैसे और कैसे भी दिया यानी, बट खैर अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो आपकी आई थिंक लाइफ में चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, आप एक्टर हो आप डॉक्टर हो, आई थिंक मैटर करता है एक दूसरे की सपोर्ट. सो आहद इज वेरी सपोर्टिव, बेहतरी आई है. आपके होश कब ठिकाने आ रहे हैं? सर अभी टाइम है मेरे होश ठिकाने आने में. आपने ऐसे कहे 25-30 साल है, मतलब कितना टाइम है? मैंने सोचा नहीं है बट अभी तो नहीं. आपका इस एक्सपीरियंस के बाद क्या मशवरा है बिलाल को या सबको? आप बिलाल से पूछे, मैं तो जब मुझे सेट पे वक्त मिलता था मैं ये मुझे हमेशा बोलती हैं. अगर कोई है तो बस क्या है, मतलब क्या है, कोई कोई हर्ज नहीं है शादी करने में. अगर मिली है कोई है बहुत देखो हम लाइव बैठे ये नहीं बोल रहे, वो तो ऑलमोस्ट बोल दिया उन्होंने. मुझे लगता है कि कोई है, कोई तो है. तो वो ज्यादा अभी रेजिस्टेंस इनकी तरफ से या उनकी तरफ से? सब बता दो, आए हुए हो यहाँ पे सब बता दो. हाँ तो आए ही है कोई 10 साल बाद, तकरीबन 10 साल बाद सजल किसी प्रोग्राम में आई है, आई एम रियली ग्रेटफुल. तो फिर इनका तो बड़ा कर करके जाए ना. हालांकि अभी अभी प्रमोशंस बाकी है, ये पहला दिन है. हाँ तो मैं थोड़ा सा हौले हौले. लेकिन टीजर दे दिया आपने? टीजर मैंने दे दिया है. बाकी समझने वालों के लिए नहीं सर, मगर आप दुआ करें कि मैं भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आऊं, राग़िब हूं मैं इंशाल्लाह, आने वाला हूं बहुत जल्द. अभी आपने कहा मुझे बहुत टाइम है, मैंने टाइम सेट सोचा नहीं है बट मुझे लगता है कि, और अभी आपने तीसरा महीने तक सोचा नहीं है, थोड़े इनडिसाइसिव है, बहुत टाइम है थोड़ा. ये मामला बड़ा मुश्किल है ना, आसान नहीं है. अच्छा तो अभी बहुत टाइम है,
फिर 10 सेकंड के बाद अभी बस थोड़ा सा क्या पता एक महीने बाद. अच्छा अभी देखिए मैंने इस तरह आपका टाइम नीचे आ रहा है, मुझे लग रहा है 12:15 बजे ना निकाल. मैंने सिर्फ टीज करना था इनको. अच्छा आपने देखा बहुत मुबारक करें इंशाल्लाह. तो सर हमारा एक राउंड है, ये तो हमने गपशप कर ली, ऐसी हल्की फुल्की जरा गपशप जारी रखते हैं, यॉर्कर राउंड की तरफ चलते हैं. चले तो अगर हम इसमें हाँ या ना में जवाब, ठीक है ओके. तो अगर मैं कहूं कि मोस्टली हम जनरलाइज नहीं कर रहे, सबको नहीं कह रहे, लेकिन मोस्टली अवार्ड शोज में मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपके ख्याल में, हाँ या ना? यस यस. आपके ख्याल में? यस. पर आप बहुत ज्यादा नहीं जाती हैं अवार्ड शोज में, जिस तरह आप टीवी प्रोग्राम में तो बहुत कम आती हैं. नहीं जाती हूं ओके, लेकिन दिल की ज्यादा सुनती हूं. और दिल अक्सर क्या कह रहा होता है रिगार्डिंग अवार्ड शोज? कि मत जाओ. तो फिर कभी जाती हैं कभी नहीं जाती. ओके, तो आपके एक्सपीरियंस अब तक आपने जितने भी अवार्ड शोज किए जनरली सियासत भी एक खेल है ना, तो आपके अगर इफ यू हैव टू रैंक द परफॉर्मेंस ऑफ करंट गवर्नमेंट 1 out of 10, तो आप कितने नंबर देंगे करंट गवर्नमेंट आउट ऑफ 10? I think there's a long way to go. अभी हम लोग इतनी अच्छी गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है जिस तरह एक्सपेक्ट किया गया था. ओके, सो अगर रेट किया जाए तो आई थिंक 5-6. इसमें भी पूरा नंबर नहीं बताया, 5-6 टू बी प्रिसाइज. ओके सही है. हां आई थिंक 4. ओके, बट रिलेटिवली बेटर या नहीं? नो. ओके, वन वर्ड फॉर अहद रजामी. आपके मियां का नाम लिया था. हाँ, मतलब मैंने कहा मैं कुछ ज्यादा ना बोल जाऊँ ना. अच्छा, तो मतलब सोच समझ बहुत सोच समझ के इसमें भी हेल्प ले लें. सारे इनके मोहल्ले वाले भी आए हैं आज, 100-150 लोग आए हैं. सजल की जान चलेगा, उन्होंने दे दिया. हाँ चल जाएगा. ये देख मशी शर्मा. अच्छा ठीक है, वन वर्ड फॉर सजल. सजल वन वर्ड, एक लफ्ज में बयान करना इसको बहुत मुश्किल है, बट अगर कर लो कोई बात नहीं. हां मैं आपको रोकूंगा नहीं, यकीन करें. सजल का ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है. अच्छा ओके, इनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, इनका कॉमेडी वेट बहुत अच्छा है. जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं ये ऑफसेट उतनी ही फनी और एंटरटेनिंग. आपका रिकॉर्ड लगता रहा बहुत अच्छा. अभी पहली मरतबा नहीं लगा, मतलब नहीं 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 हमारा चलता रहता है. अच्छा ओके, वन वर्ड फॉर हिम बिलाल भाई. ही इज अ ग्रेट एक्टर. ओके, वन वर्ड फॉर साहिर लोधी. अच्छे, आई लाइक हिम. ओके, आई थिंक ही इज वेरी इंटेलिजेंट. ओके, अच्छा ये ऐसी इस तरतीब ये ऐसी है. शाहरुख खान, वन वर्ड फॉर सुपरस्टार. जवाब अपना अपना. शाहरुख खान किंग ऑफ एक्टिंग. अहमद अली भट्ट, really good host. Bilawal Bhutto, cute. Okay, that was interesting. Ali Zafar. Ali Zafar, great voice. Misha Shafi, great voice. Okay, Imran Khan. बहुत से दिलों की जान. बहुत कुछ कह दिया. इमरान खान बहुत से दिलों की जान. ओके, रहे तो हैं और अभी भी हैं. ओके, और हानिया आमिर, क्यूट. ओके, इन दोनों ने एक एक शख्सियत को क्यूट कहा, आपने हानिया आमिर, आपने बिलावल साहब. ठीक भाई, कुछ कुछ आवाज़ें अगर आप लोग पहचान सकें कि ये आप दोनों का मुकाबला है आपस में. ठीक है, कुछ आवाज़ें हैं आपने पहचाने, किन की आवाज़ें हैं? अच्छा ओके, ठीक है ओके. तो पहली आवाज़ सुनते हैं, जिसको शक पड़ जाए किसकी आवाज़ है वो बोल जाए. ठीक है, सुनाए पहली आवाज़ सुनाए. कोई अंदाजा नहीं? नहीं, मतलब ये आवाज है या क्या है, ये कोई साउंड है क्या, किस क्या वगैरह लोग रो रहे हैं, आपको क्या लगा ये आवाज है भाई? एक एक बार और सुना दे, एक बार और सुना. उनकी आवाज है जो बैठे उनकी आदि की नहीं नहीं मुस्तफा की. जी जी जी. अच्छा
और आपका क्या ख्याल है? आपका कोई ख्याल नहीं? मेरा कोई ख्याल। देखिए भाई क्या है, कौन है? ओ ओ ओ ओ ये वैसे सुनाने वाला नहीं, दिखाने वाला भी मिलता है। बिल्कुल, ये सुनने से ज्यादा देखने से ताल्लुक रखता था। ये हुआ कब था? ये मैंने देखा और ये इनके साथ आधे घंटे बाद होता है। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी इन्होंने बताई है। अगले भाई, ये इसमें तो जीरो जीरो हो गया भाई। कोई अगला अगला अगली आवाज सुनाए। ये यॉर्कर तुम्हारे पुराने का काम नहीं है, यॉर्कर मैं कराता हूँ। ये कौन है? ये खान साहब की आवाज लग रही है। इमरान खान लग रहे हैं आपको? जी, और आपको कौन लग रहे हैं? एक बार फिर मगर एक बार फिर उसकी मिमिक्री कर रहा है। अच्छा, एक बार फिर सुना दे। ये यॉर्कर तुम्हारे पुराने का काम नहीं है, अली जफर। अच्छा, आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक? दोनों का ख्याल है कि अली जफर है। दिखाएं जनाब, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ओके, लेकिन इनाम ये सही जवाब आपका काउंट होगा, क्योंकि इन्होंने बाद में क्या मतलब कोई इनाम भी मिलना है? आपको वाटर कूलर मिलेगा जाते हुए। अच्छा, अगली आवाज सुने। यूसुफ साहब, फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है लेकिन बजट बहुत बुरा है, मैं 15 से कम भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक हो गया है जवाब। अब आखिरी क्लिप सुना दें ब्रेक से पहले, चूंकि मुकाबला एक एक से बराबर हो गया है। वाटर कूलर किसके साथ जाएगा ये अभी आखिरी जवाब तय करेगा, और किसी ने नहीं बताया तो वाटर कूलर मैं ले जाऊंगा। ठीक है जी, आखिरी आवाज सुना दे भाई। तुम ही बताओ कि अगर किसी पुरशोर समंदर को तालाब में बंद कर दिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी? हैं, इससे पहले कि बिलाल साहब कहें कि दोबारा सुनवा दें, आप सुनवा दें। हां, सुना दो। बताओ कि अगर किसी पुरशोर समंदर को तालाब में बंद कर दिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी? 5 4 तुक्का मार सकते हैं आप। 3 साहिल लोधी दिखाएं भाई। साहिल लोधी, तुम ही बताओ। बाबर अली और ये वाटर कूलर कोई भी नहीं लेके जा सका। ये तो इतना डिफिकल्ट पूछा आपने, मुश्किल पूछा। इसमें मुश्किल क्या है? बाबर अली को ये वसीम भाई आखिरी वाला हमेशा मुश्किल पूछते हैं, कूलर एक ही है। बेटा मेरी गाड़ी में रखवा दो आज भी। एक ब्रेक लेते हैं, सजल और बिलाल साहब हमारे साथ हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। एक मासूमाना सवाल टाइटैनिक से रिलेटेड है बिलाल साहब से, और एक सवाल है सजल से। आप एक कश्ती में हैं, कश्ती का बड़ा अच्छा माहौल है, टाइटैनिक में देखिए ये बजट अप्रूव किया है जे जे साहब ने। जबरदस्त। इस कश्ती में आपके साथ जो है वो सजल बैठी है और हानिया आमिर बैठी है। ठीक है, ठीक है। और अब आपको किसी एक को आपको उतारना है इस कश्ती में, वरना कश्ती में बड़ा मसायल हो जाएंगे। वो एक आप नहीं हो सकते। सर, मैं सजल और हानिया को अकेला छोड़ के खुद कूद सकता हूँ? नहीं, ये नहीं कर सकता। इन दो में से कोई एक जाएगा। मैं सजल को सेव करूंगा। सजल हां नहीं, आप ठीक, क्योंकि अभी पूरा हमने फिल्म प्रमोट करनी है फिल्म साथ। उसके बाद भी देखिए, ये ऐसे मतलब ही जमाना है भाई, ऐसे ही होता है। जाते आते तो बता दें, आपने अपने सजल अपने इंस्टाग्राम से आपने जराए बता रहे हैं, आपने बहुत सारी पोस्ट डिलीट कर दी रिसेंटली। मैंने, हां ऐसा कुछ तो नहीं हुआ आपके साथ? हो भी सकता है। एनी रीजन? नहीं, मतलब जस्ट लाइक दैट। हां, कभी-कभी आप बचपन में बहुत सारी चीजें लगा देते हैं, फिर आपको ख्याल आता है थोड़ा सा। सही, लेकिन आप याद रखिएगा, इन्होंने कहा मूवी साथ है कर रहे हैं, इसलिए आपको बचाया इन्होंने। कोई बात नहीं, बचा अभी अभी के लिए तो बचा लिया है ना भाई। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट और अपकमिंग फिल्म। खेल खेल में जरूर देखिएगा, बहुत डिफरेंट टॉपिक है, मैं भी जरूर देखूंगा। जिंदगी रही सही, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।